हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक नैनो है फ्रेंड्स, टाटा नैनो एलेक्स मॉडल 2011 का है फ्रेंड्स। आज मैं इसका स्पेशल फ्यूज़ बॉक्स रिव्यू करने वाला हूँ फ्रेंड्स। इसका फ्यूज़ बॉक्स का पूरा डिटेल्स बताऊंगा फ्रेंड्स, एक फ्यूज़ कौन सा फ्यूज़ है, उसका क्या नाम है, कहाँ पर उसका लोकेशन है। तो फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहिए। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको नए टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा फ्रेंड्स। ये देखिए, सबसे पहले इसका फ्यूज़ बॉक्स कहाँ पर आता है फ्रेंड्स। बरोबर ब्रेक पैडल, एक्सीलेटर पैडल है ना फ्रेंड्स, बरोबर उसके ऊपर साइड में अंदर डैशबोर्ड के, ये उसका फ्यूज़ बॉक्स है। अगर आपको इसका डायग्राम चाहिए तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इसका डायग्राम है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं कम्युनिटी टैब में इसका फ़ोटो भी अपलोड किया हुआ हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कभी भी फ्यूज़ का कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कौन सा बॉक्स, कौन सा फ्यूज़ किधर ले हैं, तो स्पेशली मैं दिखाऊंगा फ्रेंड्स आज। ये देखिए ए टू जेड मैं रिले के बारे में सब बताऊंगा फ्रेंड्स। सबसे पहला फ्रेंड्स हम देखेंगे इसका, ये देखिए ये ऑरेंज कलर के जो रिले है, ये है फ्रेंड्स फोग लैम्प के रिले, फोग लैम्प बड़े जो है ये फोग लैम्प के है, ये फ्रंट वाला है और ये रियल वाला फोग लैम्प है। इस पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है, ये फोग लैम्प के रिले है, ये फ्रंट वाला है, ये रियर वाला है। और ये जो रिले है फ्रेंड्स, ये है वाइपर कंट्रोलर, देखिए उस पर भी लिखा हुआ है, ये वाइपर कंट्रोलर रिले है। और इसके बाद आ जाता है ये ब्लैक वाला, ये है फ्रेंड्स फ्लैशर, ये देखिए उस पर भी लिखा हुआ है फ्लैशर रिले, जो अपन इंडिकेटर लगाने के बाद टिक 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 बजते हैं ना, उससे ये होता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया फ्रेंड्स। अभी रह गए ये छोटे रिले, ये छोटे रिले जो है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो है ब्लैक वाला, ये वाला ये मेन रिले है फ्रेंड्स इग्निशन का, जिसमें ये रिले के अगर ये रिले गया तो आपका इग्निशन लाइट नहीं दिखाएगा, तो वो रिले है इग्निशन का, ये वाला देखिए ये वाला रिले। और उसके बाद में ऊपर जो ऑरेंज चॉकलेट कलर का है वो है स्टार्टर रिले, ये है स्टार्टर रिले, छोटा वाला मिनी चॉकलेटी कलर वाला रिले जो फ्रेंड्स वो है स्टार्टर का, ये इग्निशन का। और फ्रेंड्स ये बाजू में जो सफ़ेद वाला है ये रेडिएटर का फैन वाला है, रेडिएटर का फैन, ये देख सकते हैं आप, सफ़ेद वाला मिनी रिले है, वो भी रेडिएटर का फैन का है। और उसके ऊपर जो आता है फ्रेंड्स ब्लैक में, वो है कंप्रेसर का, एसी कंप्रेसर, जो एसी हम लगाते हैं जिसमें कंप्रेसर चलता है, वो कंप्रेसर वाला है फ्रेंड्स, ये भी कंप्रेसर वाला। और ये हो गया ये फ्यूल पंप का, ये छोटा रिले जो है ये फ्यूल पंप का है फ्रेंड्स, ये पेट्रोल सप्लाई जो होता है ना फ्रेंड्स फ्यूल पंप का है, इतना सा ध्यान रखिए सब रिले। ये मिनी रिले पांच रिले है फ्रेंड्स, इसमें से ये स्टार्टर का रिले है, ये मेन रिले है, ये रेडिएटर का फैन का है, और ये वाला एसी कंप्रेसर का है। तो पाँच मिनी रिले है फ्रेंड्स। और इसके बाद ये ऊपर जो फ्यूज़ आते हैं, देखिए मैं दिखाऊंगा जूम करके, ये ऊपर ये एक्स्ट्रा फ्यूज़ है फ्रेंड्स, आपका गाड़ी में अगर कहीं रनिंग में बंद हो गई फ्यूज़ गया तो स्पेयर फ्यूज़ जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा, वो फ्यूज़ वहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी फ्यूज़ बॉक्स का एक लाइन यहाँ पर है, ये दो लाइन, ये तीन लाइन, ये चार लाइन है फ्रेंड्स। और ये जो सॉकेट आता है ये है डायग्नोस्टिक किट, जो आप लैपटॉप लगाते हैं, स्कैनर लगाते हैं, गाड़ी को हम डायग्नोस्ट कर सकते हैं ना, वो सॉकेट है फ्रेंड्स उसको। तो अभी हम देखेंगे फ्रेंड्स इसका फ्यूज चेक करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सबसे पहला ये ऊपर वाला देखेंगे, ये एक नंबर जो है फ्रेंड्स इंस्टेंट क्लस्टर, जो मीटर जो लाइट आता अंदर पार्किंग का, वो और रिवर्स ये दोनों का है फ्रेंड्स। और ये दो नंबर वाला फ्यूज जो येलो कलर का है वो वाइपर और वाइपर वॉशर का है। और तीन नंबर जो फ्यूज़ है फ्रेंड 15 एम्पेयर का, वो है ईसीयू का। और उसके बाद नीचे जो येलो कलर के दो है 20 एम्पेयर के, हेडलाइट लो बीम, हेडलाइट हाई बीम।
और एक नीचे वाला एम्प्टी है फ्रेंड्स, वो खाली है। और इसके बाद हम देखेंगे ये वाला लाइन, ये सबसे पहला फ्रेंड्स जो लाल कलर का है 10 एम्पेयर का, वो है टर्न इंडिकेटर का। जब इंडिकेटर हम राइट लेफ्ट टर्न करते ना, उसका टर्न इंडिकेटर का है फ्रेंड्स। और उसके बाद 30 एम्पेयर का जो है कॉमी स्विच का है, और उसके बाद 5 एम्पेयर का म्यूजिक सिस्टम का है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स और एक 5 एम्पेयर का ब्लोअर का स्विच का। और उसके बाद की एंट्री जब करते हैं ना, उसका भी 5 है फ्रेंड्स। और लास्ट जो है वो भी 5 है, 25 एम्पेयर का है, सफ़ेद कलर में स्टार्टर का सोलनाइट का है फ्रेंड्स। तो वो लाइन, ये लाइन हो गया। अभी रहेगा ये लाइन फ्रेंड्स, ये भी मैं लाइन बताता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये 30 एम्पेयर का जो है ऊपर से फर्स्ट वाला, ये देखिए ये 30 एम्पेयर का ग्रीन वाला, वो विंडो वाइंडर राइट साइड का है। 10 नंबर का कंप्रेसर का है, 15 एम्पेयर का कंडेंसर फैन का है, और ये 20 एम्पेयर का क्लस्टर का है। और इधर 15 की जगह पे फ्रेंड्स इन्होंने 25 डाला है। ये है फोगलैम का, और ये 10 एम्पेयर का जो है 10 एम्पेयर का हॉर्न का है फ्रेंड्स। और ये लास्ट जो 20 एम्पेयर का है वो है ब्लोर का। तो फ्रेंड्स ये फ्यूज़ का हो गया। और इसके बाद हम देखेंगे ये वाली लाइन, ये जो 10 एम्पेयर का है फ्रेंड्स, ये 10 एम्पेयर वाला रेडियो का है। उसके बाद आता है और एक 10 एम्पेयर का चार्जर का, और फिर फ्रेंड्स और एक इधर 30 एम्पेयर का दिया गया, वो है विंडो वाइंडर लेफ्ट साइड। और इधर दिया है फ्रेंड्स स्टॉप ब्रेक, जब हम दबाते स्टॉप लाइट लगते हैं ना उसका, और फिर पार्किंग लाइट दोनों का साथ में दिया गया। और इधर एक 15 एम्पेयर का दिया गया है जो कि मेन फ्यूज़ है फ्यूल पंप का। फ्यूल पंप इसके वजह से भी गाड़ी चालू नहीं हो सकता, ये मेन फ्यूज़ है फ्यूल पंप। और ये दिया गया है फ्रेंड 20 एम्पेयर का, ये है रेडिएटर का फैन का फ्रेंड्स, ये है रेडिएटर फैन का, ये देख सकते हैं आप 20 एम्पेयर का रेडिएटर का। और इसके बाद है और 15 एम्पेयर का, वो है मेन रिले का, मेन रिले। और लास्ट में आता है हजल्ट फ्लैश लाइट, जो हम इंडिकेटर चारों एक साथ लगाते हैं ना उसका, ये 20 एम्पेयर का लास्ट वाला है फ्रेंड्स। तो आपने ये पूरा देख लिया फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो स्लो करके आप देख सकते, मैंने पूरा डिटेल्स इसको बता दिया एक 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 एक। फिर भी और कोई डाउट है, कोई पूछना है तो फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये तो हो गया फ्यूज़ बॉक्स का जो अंदर साइड में है फ्रेंड्स, अंदर साइड में जो फ्यूज़ बॉक्स है उसका मैंने इसको सब डिटेल्स बता दिया, रिले का, ये बड़े का, छोटे का, और ये फ्यूज़ बॉक्स का सब मैंने बता दिया है फ्रेंड्स। ऐसे तो और भी आगे बैटरी के नीचे भी फ्यूज़ है, और लेफ्ट साइड में भी कुछ रिले आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिले भी आते हैं फ्रेंड्स, वो सब मैंने नहीं बताया। मैं मेन जो हमको चाहिए इसका बता दिया, इसका रिव्यू किया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आओ, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करो फ्रेंड्स, वहाँ पर भी मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैसेज चैटिंग कर सकता हूँ। और कुछ नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स वो भी बोलना फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और फ्रेंड्स मेरे जितने वीडियो है, बहुत से वीडियो मैंने बना लिए नैनो के बारे में, बहुत से और दूसरे गाड़ी के बारे में, और वो भी देख सकते हैं। आपको नॉलेज वाली लगी रहेगी तो ये वीडियो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।